नमस्कार। धर्म केवल एक विश्वास बा परिकल्पना नुहे, एहा आचरणरु सृष्टि। एकथा पुणि थरे प्रमाणित होईछि, पुणि थरे प्रमाणित होईछि। भूल नुहे भारतर आस्था, मिछ नुहे हजार हजार वर्ष धरि चाली आसीथिबा विश्वास, मिथ नुहे वेद उपन्यास पुराण। इतिहासर छाती चिरी एबे से सबुर प्रमाण बाहर करुछि विज्ञान। राम सेतुकु नै मिलिछि किछि एभळि प्रमाण जहा प्रमाणित करिछि राम सेतुकु नै थिबा आस्थार अस्तित्व। पथर पुरुणा बाली नुआ, पथरर बयस 7000 वर्ष, बालीर 5000। आपण भाबुथिबे आमे एकथा काहीकि कहुछु, आमे एकथा एथिपाई कहुछु कारण एसबु तथ्य जोड़ी होईछि हिंदूंक आस्था सह राम सेतु सह, आउ एही तथ्य देइछि अमेरिकार विज्ञान धारावाहिक। ए संपर्कित गवेषणा करिछन्ति वैज्ञानिकक एक टीम जहाँ प्रमाणित करिछि कहानी नुहे रामायण, गप नुहे राम सेतु। समयर छाती चिरी उठुछि इतिहास, विज्ञान खोलुछि विस्मय पथर रहस्य। मिलिछि राम सेतु पथर प्रकृत कहानी, हिंदूंक लागि हजार हजार वर्षर आस्था, वैज्ञानिकंक लागि अनुसंधिष्ठार गंताघर। आस्थार ए अस्तित्वकु स्वीकार करिछि विज्ञान, जहा भारतर महाकाव्य कहुतिला ताहा एबे मानिछि विज्ञान, जहा कोटि कोटि लोकंक आस्था ओ भावना थिला तार एबे मिलिछि पक्का प्रमाण। वैज्ञानिकंक उन्मोचित तथ्य पुणि थरे प्रमाणित करिछि राम सेतु केवल एक कल्पना नुहे बरं वास्तविकता। यह आदौ प्राकृतिक नुहे, संपूर्ण भावे मनुष्यकृत। राम सेतु को नहीं अतीतरे उठिछि अनेक प्रश्न, होइछि अनेक विवाद, अनेक थर यार अस्तित्व को अस्वीकार कर दैछि, पुणि केतेबेले प्राकृतिक कहजाइ यार गुरुत्व को कमाइबाकु चेष्टा होइछि, किंतु एथर से ही विज्ञान भी मानिछि आस्थार ए अस्तित्व को, मानिछि मिछ नुहे रामायण, मिछ नुहे रामायणर लंकाकांड, आउ प्रकृतरे अनेक वर्ष पूर्वरु भारत ओ श्रीलंका को जोड़िथिला राम सेतु। एते बड़ समुद्रे सेतुर परिकल्पना, पुणि एथिरे बानर सेनार सहयोग, राम नाम लेखा हेबा परे भासिला पथर, एसबु केवल काल्पनिक कहानी नुहे किंतु मानव जाति पाई कौनसी अद्भुत कारनामाठू कम भी नुहे। एबे प्रमाणित होईछि एहा केवल किंवदंती कि मिथ नुहे बरं एकदम निच्छक वास्तवता। निकटरे एहाकु नेइ आमेरिकारे सृष्टि होईछि हईचई, ए चर्चा आमेरिकार साइंस चैनलरे प्रसारित प्रोमोकु नेइ। नासार साटेलाइट इमेज आधाररे कराइछि ए गवेषणा। आमेरिकार केतेक भूविज्ञानी, ऐतिहासिक और पुरातत्वविद दल अनेक गवेषणा परे यहा स्पष्ट करिछन्ति, सेमाने सेतु स्थल और सेठारु संग्रहित अन्य पदार्थर परीक्षा परे घोषणा करिछन्ति यहा प्राकृतिक नुहे बरं मनुष्यकृत। आमेरिकार साइंस चैनल रे प्रसारित कार्यक्रम व्हाट ऑन अर्थ रे एकथा कहिछन्ति वैज्ञानिक। ଏହି ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ରାମ ସେତୁ ମଣିଷର ଏକ ବିରଳ ଉପଲବ୍ଧି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭିତରେ ଥିବା 30 ମାଇଲର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କାରନାମା ଏକ ମହାବିସ୍ମୟ।
सेतु तले थिबा बालीर चटाण प्राकृतिक किंतु एहा उपरे रखा जाइथिबा पथर को अन्य स्थान रो अणा जाइछि एवं एहा मनुष्य बा अन्य कृत्रिम उपाय रही एठा को आसीछि। गवेषणा को नहीं भूविज्ञानी एलन लेस्टर कहिछन्ति हिंदू धर्म रे एही सेतु संपर्क रे वर्णना करा जाइछि। पुणि गवेषणा रु जणा पडिछि सेतु रे व्यवहार होइथिबा पथर एठा कारण हे एहा को अन्य स्थान रो अणा जाइछि। सेहीपरि पथरर बयस संपर्कें पुरातत्वविद माने करिछन्ति विशेष गवेषणा एहा खोलिछि अधिक रहस्य। जनापड़ी एही पोल तले थिबा बालीर बयस 5000 वर्ष पुरना किंतु बड़ कथा हेउछि एहा उपरे थिबा पथर बालीठारु अधिक पुरना अर्थात 7000 वर्ष पुरना जहाँकि प्रमाणित करुछि प्रथमे तयारी होइथिला सेतु आउ तापरे सेतुरे बाली स्तर माड़ी जाइछि। ये समस्त कथा आमे कहुनु कहुछि विज्ञान और गवेषणा लब्ध तथ्य। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। सैटेलाइट रे तो आपण रामसेतुर चित्र देखिथिबे किंतु आज आमे आपणकु देखाइबु रामसेतुर वास्तव चित्र। आमे आपणकु नै जिबु सेई स्थान को जेउठी अछि रामसेतु। आमो टीम पहुंचिछि तमिलनाडु रामेश्वरम रो ठीक सेही स्थान रे जेउठी रहिछि रामायण रो रामसेतु। रामसेतुर आरंभ धनुषकोडी पौराणिक मान्यता अनुजाई एउठो आरंभ रामसेतु अपेक्षार अंत होगाक जाऊला कारण आउ मात्र किसी समय अपेक्षा था। आमे आम लक्ष्य निकटने पहुंची आमे पहुंची सारी रामसेतु निकट। कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपको टेलीविजन स्क्रीन पर वो हकीकत दिखा सकें जिसके बारे में आप सुनते बहुत हैं लेकिन वो आंखों से आप नहीं देख पाएंगे कभी। स्थानीय मत्स्यजीवी बोट में बसवा पर आम ए बाहरी पड़ी आम लक्ष्यस्थल आड़ समुद्र गभीर नील जलराशि भितर भगवान श्रीराम को संपर्कित सबुठ बड़ प्रमाण को देखा आम भितर भी था उत्साह। आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा इस तरफ और मंदिर से अब हम दूर चल रहे हैं। ये उस तरफ का रास्ता है जहाँ पर पानी बहुत छीछला है मतलब बहुत कम गहरा है और उस तरह के निशान मौजूद हैं जिनको ये मछुआरे भी बता रहे हैं कि वो राम सेतु के पत्थर है राम सेतु के निशान है तो उसी तरफ हम जा रहे हैं। आम चारिपटे थिला गभीर नील जलराशि किसी समय यात्रा परे आमे पहुंची गलु से ही स्थान रे जेउठी मिसिछि बंगोपसागर आरब सागर और भारत महासागर। आपने सुना होगा समुद्र को मिलते हुए और अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं एक तरफ से हिंद महासागर और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी का पानी यहां पर मिल रहा है और आप दो अलग कलर आपको दिखाई देंगे पानी के एक तरफ कलर दूसरा है पानी का और दूसरी तरफ कलर पानी का दूसरा है तो बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर ये दोनों महासागर आपस में मिलते हैं। किसी घंटे यात्रा पर आम पहुंची समुद्र मझे किंतु एठारे पानीर गभीरता आश्चर्यजनक भाव निहाति कम थिला कुआ जाय एठारु ही आरंभ होउछि रामसेतुर अंचल। रामसेतु के इस पूरे इलाके में समुद्र आपको दिखाई दे रहा है दूर से दूर तक लेकिन असल में इस समुद्र की हकीकत क्या है वो आप खुद देखिए। ये समुद्र सिर्फ इतना गहरा है कि इंसान के घुटनों तक पानी यहाँ पर आया है और वैसे कहने को हम समुद्र के बीचों बीच हैं लेकिन पानी इतना कम है यहाँ पर कि आसानी से आप इसमें उतर सकते हैं। तीन आइलैंड्स का चक्कर काटने के बाद आखिरकार चौथे आइलैंड पर हम पहुंचे हैं जहाँ पर हम उतर पा रहे हैं। यहाँ पानी इतना कम है मैं आपको बताऊं कि बोट भी आगे तक नहीं जा पा रही है। फाइनली एक आइलैंड के करीब हमने रोका है चौथे नंबर का आइलैंड है इंडिया से लेकर श्रीलंका तक 8 आइलैंड्स हैं इसी तरह के 8 टापू हैं और अब मैं नीचे उतर के उस आइलैंड तक जाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ समुद्र कितना कम गहरा है। राम सेतु तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और इम्पॉसिबल के बराबर काम है ये। हमारे बोटमैन ने कहा कि अब आगे हम किसी कीमत पे नहीं जाएंगे क्योंकि आप देखिए मिट्टी में बोट फंसने का पूरा खतरा रहता है। ऐसे हालात में बेहद मुश्किल होता है बोट को कंट्रोल कर पाना और अगर बोट फंस जाए तो आप उससे निकल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से लेकर श्रीलंका तक करीबन पानी इतना ही कम गहरा है जिसमें आप आसानी से चल सकते हैं जैसे मैं चल पा रहा हूँ और शायद इसी को हम राम सेतु के नाम से जानते हैं क्योंकि जमीन पर आपके पांव टिके हैं लेकिन आप समुद्र में खड़े हैं और आप
आसानी से समुद्र में चल पा रहे हैं, और इससे बड़ा क्या सबूत होगा राम सेतु का? मन को विश्वास हो नथिला कारण आमे सेठी ठिया होइथिलु जेउठी दिने ठिया होथिले भगवान श्री राम। ये समुद्र का हिस्सा है, बेसिकली छोटा सा टापू है, अब इसी को आप राम सेतु मान लीजिए। यहाँ पर आप चल सकते हैं, और जब हाई टाइड आएगा तो पानी इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन अभी आप चल पा रहे हैं। यहाँ पर आप आसानी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं, और शायद इसी को राम सेतु कहते हैं। पूर्वर केवल सैटेलाइट चित्र माध्यम रे जहां देखिलु, आज से स्थान रे पहुंचा परे अनुभूति थिला निहाति अद्भुत और अलौकिक। ये बताइए राम सेतु? श्रीलंका है, 7 किलोमीटर है। श्रीलंका सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, मतलब आप इधर से आगे जाते रहिए और आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे। या ये इधर है, सीधा जावे ना श्रीलंका ना, 7 किलोमीटर ओनली। कोई आदमी नहीं? कोई आदमी नहीं है यहाँ पर, कोई आदमी कभी नहीं आया। आप भी पहली बार आए? आप आते हैं? फर्स्ट टाइम। ये भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए, इससे पहले कोई आदमी यहाँ तक नहीं पहुँचा था। समुद्र भीतर थाई भी पादरे चली ही थिला कारण पानी गभीर नथिला। कौन यही हेउची सेई रामसेतु? रामसेतु को विज्ञान मोहर लागिबा परे आगो को ए प्रश्नर उत्तर भी आमको निश्चय मिलि जिवो। ब्युरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। किभली तयारी होईची रामसेतु, किभली पत्थर भासिला गभीर समुद्र रे, किभली समुद्रर कराळ लहरी ओ प्रकृतिर भयंकर तांडव को सही आजि पर्यंत एहा बंचाई रखिची निजर अस्तित्व, एक कथा जानिबाकु विज्ञान एबे नुहे, अनेक वर्ष धरी चले आसीची अनुसंधान। तेबे आमको मिलिची एमिति किछि तथ्य जहां जानिबा परे आपण भी आश्चर्य होइजिबे। रामंक अस्तित्वर सबुठु बड़ प्रमाण राम सेतु। वर्तमान एहा समुद्र गर्भरे, तबे समुद्र बक्षरे प्राय 30 माइल रो ए विशाल सेतु निर्माण हेला किपरि, एहा आम सामनारे एक बड़ प्रश्न। आम पुराण इतिहास रे बंधवा सेतु निर्माण संपर्क रे अनेक शास्त्र रे वर्णना रहिछि। जेउथिरे सर्वेक्षण योजना, कार्यान्वयन और निर्माण परवर्ती सुरक्षा संपर्क रे वर्णना होइछि। सेथिरु अनुमान करा जाए रामो तांक सेना सेतु निर्माण पूर्वरु संपृक्त अंचल रे सर्वेक्षण अनुध्यान करिथिबे। हजाए एही सेतुर निर्माण बानर वीर नळंक प्रत्यक्ष तत्वावधान रे होइथिला। से इंजीनियरिंग बा निर्माण विद्या रे पारंगम थिले। वाल्मीकि रामायणर युद्धकाण्डरे सेतु निर्माण संपर्करे वर्णना अछि। एही तथ्य अनुसार प्रथमे बानर माने समुद्र को शाळ, बिल्व, अशोक, अश्वकर्ण, सप्तपर्ण, आम्र, आम्र, बाउंश आदि बड़ बड़ गछ को छंदी समुद्र तल देशरे बिछाइले। एहा उपरे बड़ ओ छोट पत्थर को खंजी रखागला। सबुठ उपर स्तर रे अपेक्षाकृत समतल पत्थर गुड़ी को खंजी रखागला। एबे भी राम सेतु रो उपर भाग रे समतल पृष्ठर पत्थर मिलुछि। हजार हजार वर्ष धरी सेतु उपरे धीरे धीरे बाली जमा हेबा को लागिला, जहां वर्तमान बालुका स्तूप और छोट छोट बालुका द्वीप रे परिणत होइछि। जदि बालीगुड़ी को जत्नर सह काढ़ी निया जीव, तबे एबे भी सेतुर विभिन्न स्तर देखिबा को मिलिबो। तबे एते वर्ष परे ए सबु काठ कठिन अंगारक पदार्थ रे परिणत होई जाइथिबो। रामायणर वर्णना अनुसारे बानर माने दुई पाखरे दीर्घ रसी धरी ता भितरे सड़क भावरे काठ ओ पत्थर खंजिथिले। एहार प्रमाण भी मिलिछि। सैटेलाइट हेउबा आकाश मार्गरु निया जाइथिबा फोटोग्राफ
ସବୁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ରାମ ସେତୁର ଦୁଇ ଧାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ରାମାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ରାମ ସେତୁ 100 ଯୋଜନ ଲମ୍ବ ଓ 10 ଯୋଜନ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର ଅନୁପାତ ଥିଲା 10:1। ବର୍ତ୍ତମାନର ମାପ କହୁଛି ରାମ ସେତୁର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 35 କିଲୋମିଟର, ଚଉଡ଼ା ପ୍ରାୟ 3.5 କିଲୋମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ସେତୁ ଉପରେ ହାରାହାରି 2 ମିଟର ଜଳସ୍ତର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାମ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଏହା ସେତେବେଳର ଜଳସ୍ତରଠାରୁ ଅନ୍ତତଃ 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ 3 ମିଟର ବା ପ୍ରାୟ 9 ଫୁଟ ତଳେ ଥିବ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓସେନୋଗ୍ରାଫି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 7000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଓ ଅନୟ କାରଣରୁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର 9 ଫୁଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉଭୟ ତଥ୍ୟ ଏକଦମ ମେଳ ଖାଉଥିବାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏ ସେତୁ ପ୍ରାୟ 7000 ବର୍ଷ ତଳେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5000 ପାଖାପାଖି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଏତେ ବିଶାଳ ନିର୍ମାଣ, ଏତେ କାଳଜୟୀ କାରିଗରୀ, ଯାହା ସମୁଦ୍ରର ଶକ୍ତ ଲହଡ଼ି ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ମାଡ଼କୁ ସହି ଏଯାଏ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଛି, ସେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା କିପରି? ଯାହା ପ୍ରକୃତି ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଏଯାଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇନି, ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାରଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିଭଳି ଭାଙ୍ଗିଲା ରାମ ସେତୁ, କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲା ରାମ ସେତୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଏହାର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କାବ୍ୟକୁ, ରାମାୟଣକୁ। ରାମାୟଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାବଣ କବଳରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ରାମ ସେତୁ। ଏହାରି ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାବଣକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇଥିଲେ। ସେହି ରାମାୟଣର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାମ ଲଙ୍କାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏହି ସେତୁ ଦେଇ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଫେରିଥିଲେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାମ ସେତୁକୁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ଏକ ରୋଚକ କଥା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦ୍ମପୁରାଣର ସୃଷ୍ଟି ଖଣ୍ଡରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଥରେ ରାମଙ୍କର ବିଭୀଷଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଭୀଷଣ କିପରି ଲଙ୍କା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ରାମ ଲଙ୍କା ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଭରତ ବି ତାଙ୍କ ସହ ଲଙ୍କା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଉଭୟ ରାମ ଓ ଭରତ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କଲେ। ବାଟରେ ଏମାନେ କିସ୍କିନ୍ଧାରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବି କିଛି ସମୟ ରହିଲେ। ସେଠାରୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏମାନେ ଲଙ୍କା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ରାମ ଭରତଙ୍କୁ ବାନର ସେନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସେତୁବନ୍ଧ ଦେଖାଇଲେ। ସେପଟେ ରାମ, ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ଭରତଙ୍କ ଆସିବା ଖବର ପାଇ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ସଜାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ରାମ, ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ଭରତଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଏମାନେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିବାକୁ ପୁଣି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ବିଭୀଷଣ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେତୁବନ୍ଧ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଥିବାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଏହି ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ରାମ ନିଜ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ସେତୁକୁ 3 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ମଝି ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ।
ସେପଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ସେତୁବନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହେବା ପଛର କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ପ୍ରବଳ ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ ଓ ଲବଣାଂଶ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ମଝିର ଏ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ। ଇତିହାସକାରଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇ ହେଉଥିଲା। ତେବେ 1480 ମସିହାରେ ଏକ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେତୁର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଉନବିଂଶ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରେଳ ଓ ଜଳପଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେବେ 1964ରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ରାମସେତୁର ଧନୁଷକୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାରୁ ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସୀମିତ ରଖାଗଲା। ତେବେ ସେତୁବନ୍ଧ କିଭଳି ନଷ୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲୋଡ଼ା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ପୁରାଣ ହେଉଛି ଭାରତର ଇତିହାସ। ଏହାକୁ ମିଥ୍ କହି ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଏହା ଆଧାରେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସମୟ ହୋଇଛି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।